हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ के प्रति जागरूक रखना। कई लोगों को शरीर में बहुत खुजली जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर गर्मियों में पसीना आते समय त्वचा पर दाने हो जाते हैं या फिर मच्छर या किसी कीड़े के काटने से खुजली हो जाती है, लेकिन यह खुजली बहुत कम समय के लिए होती है। पर अगर ये खुजली जरूरत से ज़्यादा परेशान कर रही है आपको, तो यह समस्या सामान्य नहीं रह जाती। आज हम बात करेंगे अर्टिकेरिया के बारे में। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों के शरीर के कई हिस्सों में, जैसे कि कान, होठ, जीभ, गले, त्वचा और चेहरे पर खुजली होने लगती है। साथ ही रेड कलर के पैचेस पड़ने लगते हैं। बहुत ज़्यादा समय तक रहने से यह खुजली गंभीर रूप धारण कर सकती है, इसीलिए इसका इलाज समय पर करना बहुत ही ज़रूरी है। आज ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब जानेंगे अपने कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट से, HCMCT मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका से डॉक्टर गुंजन वर्मा। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। हेलो मनोज, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स एंड लिसनर्स हियर। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिरकार अर्टिकेरिया क्या है और इसके होने की वजह क्या होती है। अर्टिकेरिया को हिंदी में हम पित्त का नाम भी देते हैं। ज्यादातर पेशेंट्स जो आते हैं वो इसी तरीके से प्रेजेंट हमारे पास करते हैं कि उनके लाल रंग के हाइव्स, जिसको कि इंग्लिश में हाइव्स कहा जाता है, जी हिंदी में उसे पित्त या छत्ते का नाम दिया जाता है, तो खुजली करने वाले लाल रंग के पैचेस जिसमें कि इंटेंसली पेशेंट्स को इचिंग होती है, और जितना वो इच करते हैं तो इच स्क्रैच साइकिल होती है और वो शरीर में फैलता चला जाता है। ये ओके शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, चेहरे से लेके उंगलियों से लेके, कई केसेस में आपके होठ या गले के अंदर भी जो सीवियर केसेस होते हैं उसमें इस तरीके की सूजन भी आ जाती है, जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। तो इसी को अर्टिकेरिया का नाम दिया हुआ है। और अगर ये आपकी म्यूकोजा को इन्वॉल्व करे, म्यूकोजा मतलब जैसे लिप्स हैं या हमारे अंदर की जो गले में अंदर सॉफ्ट हमारी जो स्किन होती है, अगर उसको भी इन्वॉल्व हो जाए तो उसको एंजियोडीमा का नाम दिया जाता है। तो बहुत से पेशेंट्स में ये अर्टिकेरिया विद एंजियोडीमा के साथ भी प्रेजेंट करता है, और बहुत से पेशेंट्स में ये खाली अर्टिकेरिया की तरह प्रेजेंट करता है, जिसमें कि लाल रंग के खुजली करने वाले छत्ते या पित्त आपके शरीर पे डेवलप हो जाते हैं। ओके डॉक्टर गुंजन, मैं अगला सवाल आपसे जानना चाहूंगा, इसका पता लक्षणों से ही चलता है क्या, या फिर इसका पता लगाने के लिए कोई टेस्ट वगैरह भी किए जाते हैं? देखिए, क्योंकि ये एक क्लिनिकल फर्स्ट ऑफ ऑल डिजीज है, तो ये हाँ हम इसमें जरूर टेस्ट कराते हैं, बट टू इन्वेस्टिगेट अवर केसेस कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। कोई पेशेंट हमारे पास आया है और उसकी इस तरीके से प्रेजेंटेशन है कि उसको लाल रंग के छत्ते हैं, हाइव है, पूरे शरीर में उसको पेप्यूल्स इस तरीके के डेवलप हो रहे हैं, डेफिनेटली वी मेक ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल एक्यूमेन वी मेक डायग्नोसिस ऑफ अर्टिकेरिया। बट यस, वी कैन इन्वेस्टिगेट अवर पेशेंट बिकॉज इसकी एक ड्यूरेशन होती है अक्यूट एंड क्रॉनिक। अक्यूट मतलब लेस देन 6 वीक्स ड्यूरेशन। जैसे किसी को कोई एलर्जी हो गई, सपोज किसी भी कारण से वो एलर्जी हुई, जैसे किसी कीड़े ने काट लिया या फिर कोई ऐसी खाना खा लिया जो उन्हें सूट नहीं किया, या किसी जानवर, कोई पालतू जानवर है आपके घर में, या कार्पेट्स के अंदर जो डस्ट एंड पॉलन्स आ जाती हैं, या आपका कोई भी पेट है, कैट या डॉग का कोई हेयर है, किसी से इनहेल हो गया, और जो पेशेंट जिसके लिए ज़्यादा प्रोन है या उनकी हेरिडिटरी या फैमिली हिस्ट्री या अस्थमा या इस तरीके के डिसऑर्डर्स की, तो उनको डेफिनेटली ये ज़्यादा अर्टिकेरिया हमें देखने को मिलता है। एंड इसमें मैं जो इन्वेस्टिगेट हम कराते हैं वो क्रॉनिक केसेस को ज़्यादातर कराते हैं, यानी कि 6 हफ्ते के बाद भी अगर किसी अर्टिकेरिया की परसिस्टेंट बिहेवियर है, वो नॉर्मल हमारी दवाइयाँ देने के बाद भी सप्रेस नहीं हुआ, या फिर वो बार 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 कारण मिटाने के बावजूद भी होता ही जा रहा है, या कभी होता है कभी नहीं होता, या रात के सोने के वक्त ज्यादा होता है, तो उस केसेस में हम अपनी जो सिस्टमिक डिजीजेस हैं जो कि इंटरनल हमारे, तो डॉक्टर गुंजन मैं ये भी जानना चाहूंगा इसमें, जैसे कि आपने बताया कि जो फैमिली हिस्ट्री होती है उसकी वजह से, तो ये जेनेटिक भी हो सकता है ये बीमारी? हाँ, ये हो सकती है, बट नॉट नेसेसरी। ऐसा नहीं है कि हर केसेस में हो,
हाँ, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं, जैसे किसी को साइनसाइटिस है या जी किसी को अस्थमा है और वो जी चला आ रहा है, जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस एक कंडीशन होती है ओके जो कि अस्थमा की जिनको है उनकी फैमिलीज में ज्यादा रन करती है, क्योंकि उनकी जो जीन्स होती हैं स्किन में वो सेम होती है, ओके जिस जीन पे वो अफेक्ट करता है उसी जीन पे, उसी की वजह से आपका एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है जिसमें कि स्किन ड्राई हो जाती है, वो एक अलग बीमारी है। बट यस, उसमें भी अर्टिकेरिया के फ्लाक्स आ सकते हैं, अर्टिकेरिया की तरह उसकी प्रेजेंटेशन कई बार शुरुआती तौर पे हो सकती है। सो ओके थोड़ा बहुत इंटर रिलेशन, स्पेशली हमें जब बच्चे बड़े होते हैं, आप बाहर जाते हैं, खेलते कूदते हैं, उनका धूप से एक्सपोजर होता है, उनका धूल से एक्सपोजर होता है, जब जी बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें पसीना भी आता है। आजकल मैं अपनी प्रैक्टिस में देखती हूँ कि बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, धूप में सफर करते हैं या बस में सफर करते हैं, या टाइट क्लोथ्स का अगर कोई ऑफिस क्लोथ्स पहनते हैं, तो वहां पे ज्यादा ये प्रोन एरिया है जहाँ पे हमें अर्टिकेरिया को देखने को हमें ज्यादा मिलता है। पर डॉक्टर ये तो कहा जाता है ना, ये बीमारी तो सिर्फ क्या कहते हैं इसमें आर्टिकेरिया सिर्फ पीठ कहते हैं कि ठंडे गर्म से ये हो जाती है, जब ठंडा गर्म पे भारी पड़ता है तो ये बीमारी होने लगती है, तो ये इससे कितना अर्टिकेरिया डिफरेंट है? होते अनुष, देखिए डिफरेंट टाइप्स के अर्टिकेरिया होते हैं। ओके देखिए एक होता है कोल्ड अर्टिकेरिया, वो ओके ऐसा होता है कि अगर किसी का बर्फ से या ठंडे पानी के स्विमिंग पूल में चले गए, या किसी ऐसे शहर में चले गए, शिमला चले गए, या ऐसी किसी कंट्री में चले गए, अंटार्कटिक साइबेरिया, यहाँ पे कोल्ड इन्वायरमेंट ही रहता है, या ऐसी कंट्रीज जहाँ पे ज्यादातर समर्स कम होती हैं, धूप कम आती है, तो वहां पे कोल्ड अर्टिकेरिया के केसेस हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, यानी कि वो ओके कोल्ड से एग्रवेशन होता है। बट इन इंडिया हमारे, क्योंकि एक गर्म देश है, यहाँ जी पे हमें हीट इंड्यूस्ड अर्टिकेरिया के केसेस भी देखने को मिलते हैं, तो इट इज नॉट फिक्स। ऐसे ही प्रेशर अर्टिकेरिया होता है, जैसे कि आपने कोई टाइट कपड़े पहन लिए हैं, जहां जहां पे आपकी स्किन पे प्रेशर पड़ा वहां वहां पे अर्टिकेरिया डेवलप हो गया। इसी तरीके से किसी वाइब्रेशन अर्टिकेरिया भी होता है, यस डेफिनेटली ये स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी हो सकता है, एंड फिजिकल अर्टिकेरिया भी हो सकता है, जिसको ओके कि हम डर्मोग्राफिज्म का नाम देते हैं, कि ओके अगर कहीं पे बच्चे ने पेन का निशान भी अपनी स्किन पे लगा लिया, तो वहां पे उसको स्किन पे अर्टिकेरिया का रैश डेवलप हो जाएगा, और इसको हम डर्मोग्राफिज्म का नाम देते हैं। ओके डॉक्टर गुंजन, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि अर्टिकेरिया का इलाज कैसे किया जाता है और किस तरह की दवाइयाँ इसमें दी जाती हैं? देखो, इसमें क्योंकि खुजली करने वाले सेल्स आपके ब्लड के अंदर और स्किन के अंदर बढ़ जाते हैं, जिनको कि हम IgE CBC के द्वारा, हम पेशेंट्स के कई बार ब्लड टेस्ट जब कराते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट हम CBC कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं, उसमें हम इयोसिनोफिल्स काउंट देखते हैं, या हम IgE के टेस्ट भी करा सकते हैं, एंड उसी के कम करने की फिर हम दवाइयाँ देंगे अगर वो बढ़ी हुई है। तो इसमें कई तरीके की दवाइयाँ आती हैं, कुछ तो ओवर द काउंटर आपको डायरेक्ट फार्मेसी से भी लाइट मेडिसिन मिल सकती हैं, मोस्टली पेशेंट एक आधी दो सिप्रेजन लेके हमेशा उसको सप्रेस कर लेते हैं, या फिर हमारे पास आते हैं तब तक उन्होंने एक या दो टैबलेट ऑलरेडी ले चुकी होती है, तो वो थोड़ा सप्रेस हो चुका होता है। प्रॉब्लम परसिस्ट व्हेन आपको नॉर्मल एंटी हिस्टामिनिक लेने के बाद भी सोल्यूशन नहीं मिल रहे, तो देन आपको अपने स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना है, एनालाइज करने के बाद, आपको इन्वेस्टिगेट करने के बाद फिर हम अपने पेशेंट्स को प्रॉपर एक रेजिम पे एड ऑन करते हैं। डिफरेंट ओके टाइप की इसमें दवाइयाँ होती हैं, जो ब्लड सेल्स जो कि खुजली करते हैं उसको परसिस्टेंटली लो डोज पे अगर हम दें, तो हम 6 महीने 1 साल तक भी सेफ्टी दे सकते हैं और हम उसको लो कर सकते हैं। ओके डॉक्टर गुंजन, मैं अगला सवाल आपसे जानना चाहूँगा, इस बीमारी में व्यक्ति को कई तरह के फूड से भी एलर्जी हो सकती है, जैसे कि दूध से, नट्स से भी हो सकती है व्यक्ति को, और खान पान अदर खान पान से भी हो सकती है दूसरे तरीके के, तो इसमें व्यक्ति को किस तरह का खाना खाना चाहिए और आर्टिकेरिया के जो रोगी होते हैं उन्हें किन बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? डेफिनेटली देखो, इसमें इन्फेस्टेशन, इनहेलेंट्स, ये एंड जो भी हमारे फूड एलर्जेंस है, अगर किसी खाने में किसी कलर का प्रयोग हो रहा है, प्रिजर्वेटिव है किसी खाने में, जैसे बच्चों को मेयोनेज देते हैं, सॉसेस देते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं, तो उनके द्वारा ये हो सकता है। इसके अलावा इसमें कोई भी नट्स अगर आप यूज कर रहे हैं, या कुछ ऐसा खा लिया कि कुछ बाहर का खा लिया जो कि उन्हें सूट नहीं हुआ, तो ये बड़ा कॉमन सी चीज है, कोई रिफाइंड ऑयल यूज कर लिया, आपकी प्रिजर्वेटिव वाली चीज यूज कर ली, तो यही सब चीजें हम पेशेंट्स को अवॉइड करने के लिए कहते हैं। और हर पेशेंट का अपना एक अलग एलर्जन भी हो सकता है, कि किसी को किसी से एलर्जी ज्यादा है, किसी को किसी से एलर्जी ज्यादा है, तो वो डेफिनेटली आपको नहीं लेनी है और उसको अवॉइड करना। ओके
डॉक्टर गुंजन, यदि इलाज के बाद भी ये बीमारी फिर से होती है या फिर दाने फिर से आने लगते हैं, पैचेस फिर से होने लगते हैं, तो ये क्यों होता है, इसका कारण क्या हो सकता है और उन्हें इस टाइम पर क्या करना चाहिए पेशेंट्स को? डेफिनेटली देखिए, अगर आपको अर्टिकेरिया से ज़्यादा आप परेशान हैं, आप बार बार आपको ये परेशान कर रहा है, 6 महीने 1 साल तक भी कई बार हमें ये डिजीज परसिस्ट कर सकता है, तो देखो, एक तो मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि अगर ये परसिस्ट कर रहा है तो हमें इसका कॉज फाइंड आउट करना बहुत आवश्यक है कि क्या ये किसी सिस्टमिक डिजीज यानी कि किसी इंटरनल डिसऑर्डर से एसोसिएटेड तो नहीं है। जैसे कि कुछ स्किन कंडीशंस होती हैं, जैसे कि बुलस पेम्फिगोइड, उसमें भी अर्टिकेरियल प्लैक्स बन सकते हैं, और भी कई स्किन कंडीशन होती हैं जहाँ फिर अर्टिकेरिया का एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रूप होता है जिसको कि अर्टिकेरियल वेस्कुलाइटिस का नाम दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें हम पेशेंट को रेगुलर विजिट के बाद, इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही किसी ऐसी बीमारी के निष्कर्ष पे पहुँचते हैं जिसका उसका लंबा इलाज होना या उसके रूट कॉज का ट्रीट होना बेहद आवश्यक हो जाता है। बाकी ऑन एंड ऑफ फ्लेयर्स जब पेशेंट्स को आते हैं तो वो दवाई ले सकते हैं, और अगर उनके फ्लेयर्स इतने ज़्यादा हैं तो हम लो डोज में लंबे समय तक कुछ दवाइयों को सेफली दे सकते हैं ताकि वो रेमिशन फेज में चला जाए। रेमिशन फेज मतलब कि सपोज मुझे अगर 6 महीने तक रहा है तो फिर मुझे उस समय तक, अगर मैं अपने डाइट को भी ध्यान दूँ और सब कुछ चीज़ों को ऑब्जर्वेशन में रखूँ, तो मैं रेमिशन फेज में जा सकती हूँ। मतलब मुझे उस दौरान अर्टिकेरिया का कोई भी जो फ्लेयर है वो नहीं है। ओके डॉक्टर गुंजन, मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये बीमारी होती है, दाने होते हैं, इचिंग होती है, और वो एलर्जी की गोली खा लेते हैं, तो ये कितना गलत है, कितनी हद तक गलत है, और उस बीमारी को जो ये बीमारी उन्हें अर्टिकेरिया है, ये हेल्थ प्रॉब्लम उन्हें कौन सी हो सकती है, कितनी क्रिटिकल हो सकती है ये? सबसे ज्यादा ना जो एंटीहिस्टामिनिक्स होती है उनका एक साइड इफेक्ट होता है सेडेशन, तो ज्यादातर गोलियां जो ये ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी लोग ले लेते हैं, इससे सबसे ज्यादा तो नींद आने की या सेडेशन होने की या डिजीनेस होने की संभावना होती है। तो मेरी तो यही सलाह है कि आपको कुछ भी ऐसा होता है तो आप स्किन स्पेशलिस्ट को अपने विजिट करिए, वही आपको एनालाइज करने के बाद आपको प्रॉपर डोज में, सही मात्रा में, सही ड्यूरेशन के लिए दवाई को ऐड करेंगे। ओके डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। ओके, आज हमने अर्टिकेरिया के बारे में बात की। यदि किसी को ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं तो अपने स्किन एक्सपर्ट से जरूर सलाह लें। इसी के साथ ही यदि किसी को पहले से ही अर्टिकेरिया है तो उन्हें इसके रोकथाम के लिए कई एहतियात बरतने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ा नया शो लेकर और हेल्थ के नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिरकार क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at wan@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.